जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हाल के दिनों में इसमें एक लंबा ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, जिसके चलते कंपनी के शेयर प्राइस में तकरीबन एक दिन में देखेंगे तो 16.5% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। यानी कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा लग रहा है कि अब ये कंपनी अपने सही ट्रैक पर आ गई है और एक लंबा रिटर्न देने के लिए तैयार बैठी है। चलिए समझते हैं कि हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है, इन सब मुद्दों को वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में नए लोगों के लिए जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, उनकी भी इसमें जो बात करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, काम के बारे में तो आपको पता है कि कंपनी जो है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है। बेसिकली इसका काम क्या है, टावर इंस्टॉलेशन का। जो अलग अलग नेटवर्क के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, जिससे आपको पता है रिलायंस हो गया या एयरटेल हो गया, तो इनके लिए जो भी टावर बैठाए जाते हैं मोबाइल की कनेक्टिविटी के लिए, वो ये बैठाने का काम करती है। अब चलिए इसका हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं। तो आपको पता है कंपनी का फंडामेंटल तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पे आप देखेंगे 1400 करोड़ के आसपास कंपनी का तकरीबन मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप श्रेणी के लिस्ट में एक कंपनी आ जाएगी। शेयर प्राइस 1.05 रुपये हो गया है बढ़ने के बाद। हालांकि कंपनी का बुक वैल्यू अभी भी माइनस में है। देखिए, बुक वैल्यू को लेकर आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि बुक वैल्यू तब काम आता है जब कंपनी डिलिस्ट होती है, डूबने के कगार पर होती है। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में उस तरह की कोई बात नहीं है, कंपनी ना ही डिलिस्ट होगी और ना ही डूबने जा रही है। हाँ, एक चिंता की बात यह है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे तो ये माइनस में है, जो कि अगर ये पॉजिटिव में होता या अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा होता तो ज़्यादा अच्छी बात होती, खासकर उन लोगों के लिए जिनका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है। अब चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के चार्ट पर देखते हैं, यानी टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पता करते हैं कि अब इसमें क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। अभी के लिए देखेंगे तो आपको पता है कि इस साल के फरवरी के बाद से तकरीबन प्राइस नीचे आने लगा था, और ये इसके लिए 1 रुपये के लेवल का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको ब्रेक करके भी प्राइस नीचे आ गया, और प्राइस नीचे आया सीधे 80 पैसा के लेवल के आसपास तक। 80 पैसा के लेवल को भी देखेंगे तो कुछ दिन अप्रैल में देखेंगे तो 80 पैसा के लेवल को भी तकरीबन अप्रैल भर पूरा नीचे ही रहा, 80 पैसा 60 पैसा के लेवल तक आ गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि देखिए, अभी यहाँ पर चल रहा है सितंबर। सितंबर में जैसे यहाँ पर देखेंगे डब्लू टाइप का बना, मैं बार बार कहता हूँ जब भी डब्लू बनता है चार्ट पर तो एक ब्रेकआउट होता ही होता है। तो यहाँ पर जैसे डब्लू बना, देखिए इस ये जो इसके लिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर आया, और सीधे इसके लिए पहला जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये इसके लिए जो रेजिस्टेंस था 1 रुपये का रेजिस्टेंस, इसको भी ब्रेक करके प्राइस 1 रुपये से ऊपर निकल गया है। यानी कि अब कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर ये प्राइस सस्टेन कर लेता है तो 1 रुपये से जो ऊपर निकला है सीधे अपने अगले रेजिस्टेंस जो कि 1.20 रुपये का है, यहाँ तक ये आ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है प्रबल संभावना, क्योंकि अभी आपको पता है G20 का सबमिट हुआ है, जिसमें काफ़ी ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है कि इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ भारत में हुआ, तो इसके बदल भी शेयर मार्केट में बूम आएगा, और इस बूम आने के पीछे भी ये स्टॉक रफ्तार बनते हुए, रॉकेट बनते हुए आपको दिखेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये पता चलता है कि कंपनी के चार्ट पर जो ये लंबा ब्रेकआउट आपको होते हुए दिखा है, ये सस्टेन करेगा। अब देखिए, जो जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, यदि लॉस में है और प्रॉफिट में आ गए तो प्रॉफिट अपना जरूर बुक करते हुए चलिए, क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी काम की चीज़ होती है, इसे छोड़ना नहीं है, प्रॉफिट बुक करके चलेगा। हो सकता है कि चूँकि रेजिस्टेंस के ऊपर जाके निकला है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, जिसकी वजह से प्राइस हल्का रिट्रेसमेंट मार रहे हैं अपने इस रेजिस्टेंस के पास से, और फिर रिट्रेसमेंट मार कर प्राइस जब यहाँ सुपर उठेगा तो फिर आपको 1.20 रुपये और 1.40 रुपये तक आपको जाते हुए दिख सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये बातें पता चलती है। अब हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं, कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है या नहीं मजबूत हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट पर, और क्वार्टरली रिजल्ट में जो आप देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। तो देखिए, जो जून क्वार्टर का कंपनी का रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का सेल्स 353 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है, यानी कि जो क्वार्टर फाइव का रिजल्ट है, वो उसमें थोड़ा कम आया है। हालांकि अब कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर आने वाले हैं, क्वार्टर टू के नंबर में यदि कंपनी का सेल्स बढ़ते हुए दिखता है, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखता है, तो ये चार्ट पर आपने देखा कि डब्ल्यू बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट सस्टेन रह सकता है और लंबा ब्रेकआउट इसमें हो सकता है। यदि यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी देखेंगे अभी नेट प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी दिनों से कंपनी लॉस में थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का लॉस इस बार में काफ़ी कम हो गया है दोस्तों, यही सबसे मेजर बात है इस कंपनी के चार्ट में एक ब्रेकआउट होते हुए आपको दिखा है। अभी आप देखेंगे तो पहले जहाँ इस कंपनी का लॉस 300, 400, 700 करोड़ था, अभी कम होकर सिर्फ 102 करोड़ रह गया है। यानी कि इससे क्या लगता है कि यदि कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर अच्छे आते हैं तब कंपनी का अभी जो लॉस में है, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, और एक बार कंपनी प्रॉफिट में आई उसके बाद इस स्टॉक को रॉकेट बनने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए जो नए लोग हैं वो अपने पोर्टफोलियो में या अपने रडार पर इस स्टॉक को जरूर रखिएगा, ताकि आपका प्रॉफिट ना मिस हो जाए। देखिए, छोटी छोटी कंपनियां ही आगे चलकर ग्रो करती हैं, हालांकि उन्हें पहचानना जरूरी होता है। तो हीरे की पहचान जौहरी को होती है, और देखना यह है कि आप लोग किस प्रकार के जौहरी हैं और इसके अंदर कैसा हीरा तलाशते हैं।
उम्मीद करता हूँ जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एंजल या एम स्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।